अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास बेटा, दिस इज़ द लेक्चर फॉर सिक्स क्लास एंड द बुक यू आर गोइंग टू फॉलो न्यू जंप स्टार्ट कंप्यूटर. दिस इज़ द कवर पेज ऑफ योर बुक. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे चैप्टर नंबर 2. व्हाट इज़ दिस? द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर पेरिफेरल्स, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर वायरस, बग, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड कार्ड्स, बैकअप, डेटाबेस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया एंड इन द एंड विल डू द एक्सरसाइज. सो सबसे पहले बेटा जो टॉपिक है आपका वो है पेरिफेरल्स, पेज नंबर 14. ओके, पेरिफेरल किसी भी किस्म की डिवाइस जब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो दैट इज़ अ पेरिफेरल. लेकिन मॉनिटर एंड कीबोर्ड को आप पेरिफेरल नहीं कह सकते. जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, मोडेम एंड नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड्स, ये सब आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो, सीपीयू के साथ अटैच कर सकते हो. सो वी कैन कॉल इट्स अ पेरिफेरल. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ हार्ड कॉपी एंड अ सॉफ्ट कॉपी. बेटा आई हैव अ सैम्पल फॉर यू हेयर. दिस इज़ अ हार्ड कॉपी. सी, दिस इज़ अ हार्ड कॉपी एंड दिस पेज इज़ अ हार्ड कॉपी. आप इस पर देखो कि सारी चीज़ टाइप हुई हुई है, प्रिंट हुई हुई है और वो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके लाइक यू कैन ईजिली टच इट, यू कैन ईजिली सी इट. ठीक है, आप उसको परमानेंटली देख सकते हो. लेकिन सॉफ्ट कॉपी क्या चीज़ है? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है बेटा, ये लैपटॉप की स्क्रीन है और इसमें मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है. व्हाट इज़ अ मशीन? ठीक है, एक स्लाइड बनी हुई है मेरे लैपटॉप में और ये अभी तक प्रिंट नहीं हुई. दिस इज़ सॉफ्ट फॉर्म. सी, हम इसको अपने हाथ में, इस पेज को मैं बाहर निकाल के टच नहीं कर सकती. आई कैन नॉट फील इट, आई कैन नॉट टच इट. ठीक है, इसको टेंजिबल, दिस इज़ नॉट टेंजिबल. ओके, सो ये है सॉफ्ट कॉपी जो कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के इनसाइड है. ठीक है, आप इसको मज़ीद अगर आप इसमें चेंजेस ला सकते हो सो यू कैन ईजिली टाइप. दिस इज़ अ सॉफ्ट कॉपी. बट वेन इट कम्स टू द हार्ड कॉपी, ये मेरे पास हार्ड कॉपी है. दिस पेज इज़ अ हार्ड कॉपी, दिस बुक इज़ अ हार्ड कॉपी, दिस कम्प्लीट बुक इज़ अ हार्ड कॉपी एंड आई कैन नॉट कीप द चेंजेस इन इट. लाइक मेरी जो अब ये पूरी की पूरी इन कंप्यूटर की राइटिंग में ये पूरी बुक टाइप हुई हुई है, आई कैन नॉट राइट एनी थिंग ऑन इट इन दिस लैंग्वेज. मैं पेंसिल से लिख सकती हूँ, आई कैन राइट विद द पेन, बट आई कैन नॉट डू द चेंजेस एज इट इज़. जैसे ये चेंजेस इसमें हुई हुई है हम इसमें चेंजेस दोबारा नहीं कर सकते. दिस इज़ अ हार्ड कॉपी एंड दिस थिंग इज़ अ सॉफ्ट कॉपी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम, एक कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है विच इज़ रिटन इंटेंशनली टू डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डिस्क ड्राइव एंड ऑफन मेक्स द कंप्यूटर अनयूजेबल. कंप्यूटर वायरस प्लांट्स इटसेल्फ एज अ सेपरेट फाइल ऑन अ टारगेट कंप्यूटर्स डिस्क. तो बेसिकली बेटा आपके वायरस कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई वायरस आता है, आपने देखा होगा कि आपकी सारी की सारी फाइल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आपके सारे फोल्डर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि ये जो वायरस आपके कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो ये प्रॉपर एक टारगेट फाइल बना लेता है और वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है. आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ अ वायरस फ्रॉम माय लैपटॉप. सो राइट नाउ यू कैन सी द स्क्रीन ऑफ माय लैपटॉप. आप ये देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ये फोल्डर्स बने हुए हैं. ठीक है, कुछ मैंने फोल्डर्स बनाए हुए, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि थोड़े ब्लर बने हुए हैं, थोड़े से लाइट हैं, जो कि आप प्रॉपर्ली देख नहीं सकते हो. अब ये फोल्डर्स खुद ब खुद बने, ये मैंने नहीं बनाए. दीज फोल्डर्स आर कॉल्ड वायरसेस. मैंने आपको बोला कि वायरस क्या चीज़ है जो कि अपने आप को सेपरेटली एक सेपरेट फोल्डर में खुद से खुद बना लेता है. ये फोल्डर्स मैंने खुद बनाए, ये जो आपको येलो फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, बट दीज थ्री फोल्डर्स हैव बीन मेड बाय themselves. Alright? So basically, this is a virus. और आपने देखा होगा कि इसके बाय इस ये जो आपके फोल्डर्स बने हुए इनके इधर आपको एक प्रॉपर तीन साइंस नज़र आ रहे हैं, डॉलर साइंस नज़र आ रहे हैं. सी, सो दिस इज़ द साइन दैट यू हैव अ वायरस इन योर कंप्यूटर.